दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में शुरू से ही घाटे में चल रही सहकारिता विभाग को पटरी पर लाने की योजनाएं अमलीजामा पहन रही हैं। पानीपत आए हरको बैंक के चेयरमैन ने खुलासा किया कि सियासी दलों के कर्ज माफी और मुफ्त की नीति ने विभाग को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, पर अब हालात बदल रहे हैं। समय से हरियाणा में घाटा झेल रहे सहकारिता विभाग को पटरी पर लाने और इसे सक्षम और बहुउपयोगी बनाने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार ने विभाग के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें पैक्स को मजबूत करने, किसानों की आय दुगनी करने के लिए फसल विविधीकरण और पैक्स की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी खोलने, जन औषधि केंद्र चलाने और पेट्रोल पंप लगाने सहित 176 तरह की सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू किए हैं। हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया। कोऑपरेटिव की दशा इसलिए हुई है कि फ्री 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 का नारा देकर के, फ्री जो है लोन माफी देकर, ये देकर बैंकों का उन्होंने पूरी तरह से उसको खराब करने का काम किया। ये तो माननीय मनोहर लाल जी का उदार हृदय है, 1400 करोड़ रुपए लैंड मॉर्गेज बैंक को दिया, मेरे 650 करोड़ रुपए जो हुड्डा साहब माफ करके गए थे उसमें से लगभग 150-200 करोड़ रुपए हमारा आ चुका है, सरकार हमें टाइम पर दे रही है। गौरतलब है कि हरको बैंक के चेयरमैन ने ये खुलासा भी किया कि तमाम कमियों और किंतु परंतु को पीछे छोड़कर वो पैक्स और किसानों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। अकेले पानीपत केंद्रीय सहकारी बैंक ने ही 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। हम किसान को देते हैं, उसके अलावा हम इंडिविजुअल को भी देते हैं, लेकिन हमारी जो बिल्कुल सिक्योर्ड लोन है वो तो अपनी इन संस्थाओं को देना, क्योंकि ये हमारी कोऑपरेटिव की संस्था है। आप गैर किसान को देते हैं, किसान को ही देते हो? नहीं, हम गैर किसान को भी देते हैं। अच्छा, हमारा कोई जो शहरी आदमी ले सकते हैं? हाँ, कोई भी शहरी आदमी अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा, अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी वो लोन ले सकता है। अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का होता है कौन सा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले चेयरमैन ने पैक्स मैनेजर्स और सदस्य किसानों की बैठक कर उनसे चर्चा की। दावा किया गया कि अब हरियाणा में सहकारिता विभाग और इससे जुड़े अंगों के अच्छे दिन आएंगे। चलिए देखिए, बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर हमेशा से फायदे में रहा है, जबकि हरियाणा में घाटे में। इसकी बड़ी वजह भ्रष्टाचार के किस्से हैं। अब मनोहर सरकार ने हरियाणा में सहकारिता विभाग को बद इंतजामी और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के परिणामों का इंतजार रहेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।